सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल अ वेरी वेल। सो गाइज, ये ब्लॉग मेरा बर्थडे का है। सो अभी तो सारे डेकोरेशन स्टार्ट कंप्लीट टोटली हो चुकी हैं, एंड उसके बाद अभी तो हम लोग जो है कि अभी हम लोग डेकोरेशन तो मेरा हो चुका है, बस फैमिली इकट्ठा हो जाए उसके बाद हम लोग अपना जो सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। एंड आज मैं आप सभी को सबसे मिलवाऊंगी, अपने भाइयों से, अपनी नानियों से, सबसे टोटल मिलवाऊंगी। बट जो मेरी जो दो मौसी हैं वो लोग अभी पता नहीं शॉप पे गई हैं, कुछ बाहर सामान वामान लेने जो भी है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ, वो मेन कैरेक्टर हैं इस वीडियो की। और हाँ गाइस, ये वीडियो एंड बिल्कुल मत करना। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जो डेकोरेशन वगैरह मिलाने का, बट अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, कैसे क्या हुआ था, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोलो सो गाइस, ये मम्मी मेरी हैं, इनसे मिलो आप, कैसे बताना कैसी लग रही हैं। हाय, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। सो गाइस, मुझे मम्मी ने काफ़ी मतलब टाइम पहले मुझे विश कर दिया था, क्योंकि मतलब इनकी भी इसमें मेहनत है, ऐसा नहीं है कि इनकी भी मेहनत है, इन्होंने भी बहुत सारी मेहनत करी है। साथ में मेरी जो मौसियाँ हैं उन्होंने भी मेहनत करी थी। तो अब चलते हैं बाहर और बाहर का दिखाते हैं क्या हो रहा है। तो मम्मी, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? आज का दिन कैसा आपको जाएगा? बहुत अच्छा। सो गाइस, चलिए चलते हैं भाइयों से मिलवाने आपको। सो गाइस, ये जो फाइनली डेकोरेशंस है आप देख सकते हो, तो ये डेकोरेशंस पूरा मेरी मौसी ने करा है, मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं करा हुआ है। ये था मेरा जो डेकोरेशन है, आप देख सकते हो, कितना बताना कैसे लग रहा है कमेंट में। और चलते हैं आपको वहाँ पर। सो गाइस, यहाँ पे मेरी नानी, देखिए नानी, आज का दिन आपके लिए कैसा जाएगा ये बताना है इसमें। क्या कहेंगे, आज का दिन आपके लिए कैसा जाएगा? आज का दिन, आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। सो गाइस, ये नानी ने भी बहुत सारी मेहनत करी है, तो इनका भी इसमें सपोर्ट है गाइस। और नानी, अभी आप क्या बना रहे हो? तो गाइस, मामा लोग सावन का व्रत है तो उनके लिए हलवा बना रही हैं। कौन सा नानी बना रहे हैं आप? ये देखिए, आलू का नानी बना रही है हलवा, और पापड़ बनाएंगी, और चाय भी। मामा लोग व्रत है तो वो लोग नहीं खा पाएंगे, बट वो लोग तो दूसरे दिन एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मेरी नानी से मिलिए, मेरा कुछ पिछले ब्लॉग बताया था, बट वो ब्लॉग मेरा पता नहीं क्या हुआ, वो हट गया था, बट अब मैं इस बार मिलाई हूँ। फलहार बना रहे हैं। तो गाइस, फलहार बना रही है नानी। तो गाइस, मुझे ना सोचा था पहले ब्लॉग का मेरा, मतलब मैं सोचा था कि मैं पहला ब्लॉग बहुत सारे मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेशन अपने घर पे करी हूँ, बट मैंने सोचा कि इस बार मैं अपने बर्थडे नानी के यहाँ मनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरी फैमिलीज़ भी है एंड मेरे भाई भी हैं। मैं भी आपको बाद में भाइयों से मिलवाऊँगी, सबसे मिलवाऊँगी, क्योंकि गाइस ये रहता है ना कि मतलब अकेले में अगर बर्थडे मनाओ तो उस टाइप का नहीं अच्छा लगता है, या फिर मज़ा नहीं आता है। बट अभी टाइम हो रहा है, 7:45 हुए हैं, आप देख सकते हो अभी 7:45 हुए हैं, एंड बस मामा लोग आ जाएं, फिर हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो बने रहना, चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस, अभी थोड़ा हम लोग आराम कर रहे हैं, और अभी वैसे मामा केक कितने बजे कटेगा? 9 बजे, साढ़े नौ भी बज जाएगा वैसे काटते काटते केक। सो अभी तो हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बहुत टाइम मतलब मेहनत भी हो चुकी है, खाना बनाना है और पता नहीं क्या क्या करना है अभी। सो अभी हम लोग तैयार नहीं हैं, फिर उसके बाद जब मामा लोग आ जाएंगे धीरे धीरे सब लोग रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाइयों को तो मैंने बता दिया, भाइयों से मैंने को मिलवाया नहीं गाइस, तो वो लोग अभी थोड़ा काम कर रहे हैं बाहर, मतलब अभी वो अपनी नानी से थोड़ा बात कर रहे हैं, बाद जब वो आएँगे तब मैं अपने लोग से मिलवाऊँगी। क्योंकि गाइस, एक फैमिली रहती है ना, तो बर्थडे सेलिब्रेशन करने में काफ़ी मज़ा आता है। और अभी जो मेरी जो एक दो मौसी हैं वो लोग अभी गई हैं बाहर, और अभी जब वो लोग आएंगी फिर मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी। तो अभी अभी मेरा भाई अगर आएगा तो अभी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को बहुत लोगों से मिलवाऊंगी। तो इधर मेरे बगल में भाई लेटा है, तुमको मिलवाऊंगी। एक भाई, मेरा भाई, ये देखो ये लेटा है, ये अरे क्या। सो ये देखिए, इनसे मिलिए, ये इसने कुछ काम नहीं करा है, खाली आया है, बस सबसे लेटा हुआ है ये, और बहुत बगल में ये दोनों कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस आए हैं फॉर्मेलिटी के लिए, देख सकते हो। तो बोला कि भी कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारे लिए कैसा दिन जाएगा? गलत ना बोलना होता है, बोलो क्या? बेकार, बिल्कुल दिन जाएगा। सो गाइस, मेरे भाई इतना मजाक कर देना, मैं उन लोगों के साथ ब्लॉग नहीं बना पाती, वो लोग पता नहीं यार कितने ज़्यादा मजाक किया उन लोगों के साथ, मजाक करने में मेरा टाइम, मैंने तब भी आप लोगों को मैंने बताया था, बट पता मेरा भाइयों का दिन, मतलब भाई ने पूछा था, तो वो लोग कह रहे हैं मेरा दिन आज का अच्छा जाएगा, बट उन्होंने खाली हंसी मजाक में कह दिया। सो गाइस, ये ब्लॉग मेरा बर्थडे का है, एंड मतलब कैसे सेलिब्रेशन हुआ था, तो लाइक इसका वीडियो मैं आपको
कैसे सेलिब्रेट हम लोग का बर्थडे होगा तो वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। सो ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने में, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।